जल्द ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौजूद एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की तस्वीर बदलने वाली है। इस स्लम एरिया को संवारने के अदानी ग्रुप के प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब कुछ ही समय में अदानी ग्रुप धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता है। खबर से जुड़ी पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। गौतम अडानी अब एक और नया कीर्तिमान रचने के कुछ कदम करीब आ गए हैं। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी को नया रूप देने के लिए अडानी ग्रुप की बोली को महाराष्ट्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। एशिया की सबसे घनी आबादी वाली झुग्गी झोपड़ियों वाली धारावी को सजाने संवारने का काम अडानी ग्रुप करने वाली है। इस प्रोजेक्ट के सीईओ एसवीआर श्रीनिवास ने बताया कि इस बारे में गवर्नमेंट रेजोल्यूशन भी जारी कर दिया गया है और जल्द ही लेटर ऑफ अवार्ड भी जारी किया जाएगा, जिसके बाद अडानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर सकेगा। बता दें, बीते साल नवंबर में अडानी ग्रुप ने धारावी स्लम एरिया को फिर से विकसित करने के प्रोजेक्ट की बोली जीती थी। अडानी ग्रुप ने इसके लिए 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। वहीं डीएलएफ लिमिटेड ने 2,025 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जबकि टेक्निकल बिडिंग में नमन ग्रुप क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। करीब 2040 हेक्टेयर में फैले धारावी को अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। अब ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है। अनुमान के अनुसार बस्ती में 8 लाख लोग रहते हैं। इस इलाके में दवाओं, चमड़े के सामान, जूते और कपड़ों के निर्माण में शामिल करीबन 13,000 छोटे बिजनेस है। यहाँ एजुकेशन और साफ सफाई की हालत बहुत ही खराब है। हालांकि इसको फिर से विकसित करने के लिए योजना 2 दशक पहले बनाई गई थी, लेकिन इसमें कई दिक्कतें आती रही, लेकिन अब प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद अडानी इंफ्रा इसको सजाने का काम करेगी। अनुमान है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 23,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये एक सरकारी एजेंसी द्वारा ग्लोबल टेंडरिंग के जरिए सबसे बड़े पुनर्विकास कार्यों में से एक होगा। वहीं प्रोजेक्ट को अगले 17 सालों के भीतर पूरा करना होगा और अगले 7 सालों के दौरान पुनर्वास करना होगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने धारावी के पूरे इलाके को अंडर डेवलप्ड एरिया के तौर पर चयनित किया है। इसके लिए एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई गई है, जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV बनाना होगा, जिसमें 80% इक्विटी या 400 करोड़ रुपए होंगे, जिसकी महाराष्ट्र सरकार के पास 20% इक्विटी यानी 100 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी होगी। SPV के जरिए रीडेवलपमेंट होने के बाद एलिजिबल लोगों को फ्री में घर दिए जाएंगे, साथ ही नीलामी की शर्तों में उल्लेखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बता दें, इस योजना में झुग्गी बस्ती में रहने वालों को घर देने का प्लान पहली बार 1997 में आर्किटेक्ट मुकेश मेहता ने बनाया था। इस दिशा में काम होना पहली बार 2003-04 में शुरू हुआ, जब राज्य सरकार ने धारावी को एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के तौर पर डेवलप करने का प्लान बनाया। राज्य सरकार ने इसके लिए एक्शन प्लान को फरवरी 2004 में मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने अक्टूबर 2022 में नए टेंडर जारी किए। पिछली बार इस प्रोजेक्ट के लिए लगी बोली को उद्धव ठाकरे सरकार ने साल 2019 में रद्द कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से अडानी ग्रुप को ये प्रोजेक्ट मिल चुका है और वो धारावी की रूपरेखा बदलने को तैयार है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक। बिजतक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही यूट्यूब पर ज्वाइन करें बिजतक प्रीमियम। मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।